पौधे का अगला मुख्य भाग है पत्तियाँ। यह हरे रंग की होती हैं और तने या टहनी से जिस सिरे से जुड़ी होती हैं यह सिरा पर्णवृत्त कहलाता है। यह हरा भाग फलक कहलाता है। इसमें आप कुछ संरचनाएं देख सकते हैं। जो ये बीच में मोटी लाइन है यह मध्य शिरा कहलाती है और ये बारीक लाइनें शिराएं कहलाती हैं। पत्तियों पर आप अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन देख सकते हैं। इस पत्ते को देखो बेटा, इसमें मध्य शिरा के आसपास की लाइनें एक दूसरे के समांतर नज़र आ रही हैं। ऐसे ही इस पत्ती में भी देखिए, यह समांतर शिरा विन्यास कहलाता है। शिरा विन्यास यानी शिराओं द्वारा बना हुआ डिज़ाइन। अगर यह एक दूसरे के समांतर है तो यह समांतर शिरा विन्यास है। केले के पत्ते में आप इसे आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे मध्य शिरा के आसपास कुछ जालियाँ बनी हुई हैं, शिराओं द्वारा बनी हुई यह जालियाँ जालिका शिरा विन्यास कहलाती हैं। इस पत्ते में भी आप देख सकते हैं। पत्तियों का मुख्य कार्य पौधे के लिए भोजन बनाने का है, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसलिए पत्तियां पौधों का रसोई घर भी कहलाती हैं, क्योंकि यह पौधे के लिए भोजन बनाती है। इसके अलावा गैसों का आदान प्रदान करना, जल का वाष्पोत्सर्जन करना भी पत्तियों का कार्य है।